मॉड्यूल ट्वेंटी सेवन ट्रामा रिएक्शन वेन वी टॉक अबाउट द ट्रामा रिएक्शन वी नीड टू बी अंडरस्टैंड फर्स्ट वट ट्रामा इज वैन एवर एनी इंडिविजुअल इज फेसिंग एनी डिस्ट्रेसिंग इवेंट हिज और हर माइंड कैन बी डैमेज बिकॉज ऑफ द प्रेशर विच ही और शी इज़ फेसिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रेस और वो जो स्ट्रेस लेवल होता है वो उसकी एबिलिटी से आ, बाहर होता है कि वो उसको बियर कर सके तो जिस वक़्त वो प्रेशर उसके ब्रेन के ऊपर अप होता है तो उसका माइंड जो है वो डैमेज हो सकता है और इस सारे प्रोसेस को ट्रॉमा कहा जाता है ट्रॉमा जो है वो एक सिंगल रिलेटेड इवेंट भी हो सकता है और ये सीक्वेंस भी हो सकते हैं और ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही इवेंट हो लेकिन वो कंटिन्यूस चलता चला जा रहा हो तो ट्रॉमा जो है वो कोई भी शख्स किसी भी वक़्त किसी भी स्टेज के ऊपर लाइफ में इंसान फेस कर सकता है आम तौर पर चाइल्डहुड के अंदर जो ट्रॉमास हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी बच्चे की लाइफ को वो क्यों इफ़ेक्ट करते हैं बिकॉज़ जो ट्रॉमा उसने बचपन में एक्सपीरियंस किया होता है यानी अगर उसने एक्सपीरियंस किया हो उसकी अपनी सेल्फ़ के किसी किस्म की इंजरी होने का ख़तरा हो या उसे देखा हो कि उसके सिग्निफिकेंट वन को किसी किस्म की इंजरी होने का खतरा है या उसने विटनेस किया हो किसी की डेथ को तो ये वो सारे ट्रॉमास होते हैं जो कि उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और जिस वक़्त एक बच्चा इन ट्रॉमास को विटनेस करता है या उनको एक्सपीरियंस करता है तो वो उस ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस प्रेजेंट कर सकता है अब जो रिएक्शंस हैं डिफरेंट किस्म के वो क्या क्या हो सकते हैं दे आर डिफरेंट माइट बी उसको एन्जाइटी या फियर जो है वो फ़ील हो, हो रहा हो अब इन्जाइटी और फियर बेसिकली क्यों फ़ील हो रहा होगा क्योंकि जिस वक्त वो एक ट्रामा को एक्सपीरियंस करेगा उस वक्त वो चीज़ उसके अंदर फियर डेवलप करेगी और उसी ट्रॉमा से रिलेटेड या उसी इवेंट से रिलेटेड जो कि उसके लिए डिस्ट्रेसफुल था वो जब भी कोई चीज़ देखेगा उससे मिलती जुलती उसको जैसे ही कोई क्यूज़ मिलेंगे तो उसके अंदर फ़ौर से इन्जाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे और वो रेस्टलेसनेस फील करना शुरू कर देगा मिसाल के तौर पर अगर उसने विटनेस किया है कि घर के अंदर डकैती हुई है तो वट वुड बी हैपन कि जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा ठीक है तो इट माइट पॉसिबल कि वो एकदम से जो है वो खौफजदा हो जाए या उसके अंदर फियर जो है वो डवेलप हो जाए या वो रेस लेस हो जाए इसी तरह अगर वो किसी भी शख्स को वियरिंग मास्क देखेगा यानी ब्लैक मास्क देखेगा तो माइड भी उसके अंदर एन्जाइटी जो है वो उसका लेवल प्रोवोक होना शुरू हो जाए इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी ट्रामा का जो रिएक्शन है वो स्टेट ऑफ शॉक या इमोशनली नबनस में आ जाए अब स्टेट ऑफ शॉक या इमोशनल नमनेस क्या है कि कोई शख्स किसी भी किस्म का इमोशन एक्सप्रेस ही ना कर सके जो भी डिस्ट्रेसफुल उसके लाइफ में इवेंट हुआ है या जो ट्रॉमा हुआ है वो उसके बारे में कोई बात कर ही ना सके आमतौर पे आपने सुना होगा कि लोग लोग जो हैं वो शॉक हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एनिमस डेथ या किसी ने कोई विटनेस uh, किया एक्सीडेंट uh, और उसके बाद वो शॉक के स्टेट में चला गया और वो कुछ बता नहीं सका ठीक है तो इस तरह क्या होता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लेकिन इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि वो किसी भी प्लाजेंट इवेंट के अंदर आ, भी आ, किसी किस्म की मतलब पार्टिसिपेट ना कर सकें मिसाल के तौर पर दे डोंट वांट टू गो आउट दे डोंट वांट टू सोशलाइज दे सेड दैट दे डोंट फील प्लेयर इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़ तो ये भी एक तरह से इमोशनल नबनेस है कि ना तो वो अपने हर्टफुल uh, uh, जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और ना ही वो उन इमोशंस को फ़ील कर पा रहे हैं जो कि प्लाजेंट हैं दैन द री एक्सपीरियंसिंग ऑफ ट्रामा सर्टन टाइम ट्रामा जो है या वो इवेंट जो है वो इतना स्ट्रेसफुल होता है कि वो दे कांट अमेजन कि इन रियलिटी भी ये चीज़ इस तरह अकर हो सकती है तो उस चीज़ को सर्टन टाइम बिलीव करने के लिए री एक्सपीरियंसिंग ऑफ ट्रॉमा जो है वो स्टार्ट हो जाता है यानी उनको वही सारी चीज़ें दोबारा से होते हुए नजर आना शुरू हो जाती हैं एंड दे फील दैट थिंग्स आर हैपनिंग तो सर्टन टाइम एनी वन कैन री एक्सपीरियंस द ट्रामा टू गेट द बिलीव दैट दिस थिंग इज़ एक्चुअली हैपन्ड देन इंक्रीज विजिलेंस जैसे हमने पहले बात की है कि जो फियर है Uh, वो सर्टन टाइम डेवलप होता है ड्यू टू ट्रामा रिएक्शन से तो उस फियर की वजह से उनके अंदर एक्स्ट्रा विजिलेंस जो है वो डेवलप हो जाती है और उनकी बॉडीज़ जो हैं वो हमेशा जेटरी रहती हैं और रेस्टलेस रहती हैं तो जैसे ही कोई भी ट्रिगर क्यू होता है तो वो फ़ौरी तौर पर उनको अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं तो इसकी वजह से जो उनकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है देन अवॉइडेंस है और जो ट्रॉमा रिएक्शन होता है वो अवॉइडेंस का है वो क्या अवॉइडेंस किस तरह होती है कि या तो वो कोशिश करेंगे कि वो उन जगहों पे ना जाएं जहाँ पे वो चीज़ अकर हुई है या वो कोशिश करेंगे कि वो उन सोचों को सोचे ना वो उन थॉट्स को रिप्रेस करने की कोशिश करेंगे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे इसके साथ साथ वो उस चीज़ के बारे में बात करने को भी अवॉइड करेंगे तो अवॉइडेंस भी जो है वो एक ट्रॉमा रिएक्शन हो सकता है देन एंगर कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस करने के बाद आमतौर पर लोग एंगर भी मैनिफेस्ट करते हैं एंगर मैनिफेस्ट जब करते हैं तो जो उनके सराउंडिंग में लोग होते हैं डेफिनेटली दे गेट वर्ड अबाउट देयर रिएक्शन लेकिन वो शख्स क्यों एग्रेसिव हो रहा होता है या वो शख्स क्यों हॉस्टाइल हो रहा होता है बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ थिंकिंग कि जो वर्ल्ड है ये अनफेयर है इसकी वजह से चूंकि उसके साथ ये हादसा हुआ चूंकि उसके साथ ये ट्रॉमा हुआ चूँकि उसके, उसके साथ ये इवेंट हैपन हुआ दैट्स वाई दैट द वर्ल्ड इज़ अनफेयर प्लेस टू लिव तो उसकी वजह से उसको एंगर जो है uh, वो uh, फील हो रहा होता है और वो उसको मैनिफेस्ट कर रहा होता है और हॉस्टॉलिटी जो है वो टू वर्ड्स अदर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है वैन वी टॉक अबाउट द ट्रामा रिएक्शन सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो कैसे ट्रामा रिएक्शंस एक देते हैं ठीक है या उनका जो ट्रॉमा रिएक्शन होता है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हो सकता है जिस तरह अगर एक यंग चा, चाइल्ड है जिसने एक्सपीरियंस किया है किसी ट्रॉमा को तो उसके अंदर कौन सा ट्रॉमा रिएक्शन आ सकता है या वो किस तरह ट्रॉमा रिएक्शन को एग्जिबिट करेगा दैट माइट बी कि उसको अटैचमेंट करने में प्रॉब्लम आए अपने केयरगिवर्स के साथ इसी तरह उसको सेपरेशन एन्जाइटी फ़ील होना शुरू हो जाए यानी जो उसके सिग्निफिकेंट वंस हैं वो उनसे सेपरेट ना हो सके इसी तरह उसको खाने में ईटिंग में या स्लीप के अंदर उसका जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाए या ओवर ईटिंग स्टार्ट हो जाए या वो बिल्कुल खाना छोड़ दे या जो हाइपरसोमिया है या इंसोमिया डेवलप हो जाए और वो बहुत इजीली क्रैंकी uh, हो जाए यानी छोटी छोटी बातों पे वो लड़ना शुरू हो जाए या इरिटेट होना शुरू हो जाए इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाए और सम टाइम ये भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो दोबारा से ंग uh, एज की तरफ रिवर्स uh, हो जाते हैं जिस तरह uh, वो अपना हो सकता है कि जो बेड है उसको वेट कर दे रात को सोते हुए तो इस किस्म के भी बिहेवियर उनके अंदर एग्जिबिट होते हैं जब हम स्कूल एज चिल्ड्रन की बात करते हैं तो वो जब ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं तो हो सकता है कि जो उनका ट्रॉमा रिएक्शन हो uh, वो यंग चिल्ड्रन से डिफरेंट हो और वो कैसे डिफरेंट हो सकता है कि ये ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं और ये सम टाइम बिल्कुल सोशली आइसोलेट भी हो जाते हैं इसके अलावा ये अपनी सेफ्टी के बारे में और दूसरे लोगों की सेफ्टी के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और अगर इनके साथ प्ले थेरेपी की जाए या डिफरेंट जब ये प्ले या गेम्स करते हैं तो उसके अंदर ट्रॉमेटिक जो इवेंट होता है उसे दोबारा से रीलिव करने की कोशिश करते हैं इस तरह के जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं उनको नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं इसके अलावा उनको स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है अगर हम एडोलसन को कंपेयर करें एज कम्पेयर टू दीज टू ग्रुप्स तो उसमें हम देखते हैं कि आमतौर पर एडोलसन्स जो हैं वो एंशियस हो सकते हैं या डिप्रेस हो सकते हैं अब उनकी जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्रेशन और एंक्शियसनेस है दैट माइट बी इन अ फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी इसी तरह वो सर्टेन टाइम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ भी चले जाते हैं जिस तरह हमने बात की थी कि अवॉइडेंस जो है वो लोग करना शुरू कर देते हैं तो उसके लिए हो सकता है कि वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दें ताकि उनको उस चीज़ों से रिलेटेड किसी किस्म की मेमोरी जो है वो ना आए इसी तरह हो सकता है कि वो सेक्सुअल सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए और अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाए इसी तरह उनको गिल्ट हो सकता है उस ट्रॉमा से रिलेटेड माइट बी दे फील के ये उनकी वजह से हुआ है उनकी गलती हुई है या वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी वजह से उनको गिल्ट या शेम भी जो है वो भी उनके अंदर डेवलप हो सकती है इसके साथ साथ उनका जो चूंकि ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसके अंदर जो एडोलसनस होते हैं उनकी कॉग्निशंस डेवलप हो रही होती हैं तो इट माइट पॉसिबल कि उनके जो नेगेटिव व्यूज़ हैं लोगों के बारे में वो जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाए और सर्टन टाइम ये भी होता है कि वो अगर इतना डिस्ट्रेसफुल इवेंट है जो उन्होंने विटनेस किया है या जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि वो उनको सुसाइडालिटी की तरफ या रिवेंजफुल थॉट्स की तरफ भी लेकर जा सकता है थैंक यू